ये अष्ट शक है, आठ तरह के शक है। आप जब सजाएंगे झांकी बनाने के लिए रख सकते हैं, अष्ट सखियां रख सकते हैं। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की, हरे कृष्णा राधे राधे। किशनदासी के चैनल में आज भी मित्रों का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? कान्हा जी कृपा से सब ठीक होंगे। तो जन्माष्टमी की 2022 में कब है, क्या करना है, क्या नहीं करना, तो पूरी वीडियो स्टार्ट होने वाली है। जरूर से पूरी वॉच करना, आनंद ही आनंद आएगा। सजावट कैसे करें, क्या नहीं करें, सब इस वीडियो में मिलेगा। क्या खाएं, क्या नहीं खाएं, तो पूरी वॉच करना और अच्छे अच्छे कमेंट भी करना। जब अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब भी कर लेना, वही मेरे चैनल को जो न्यू हो। तो मैं आपको बताऊँ जन्माष्टमी कब की है, जो मैंने शॉर्ट में भी डाल दिया था। जन्माष्टमी है 19 अगस्त की, ठीक है। 19 अगस्त की रात को 12 बजे आपको लड्डू गोपाल को, कन्हैया को, मतलब बिहारी जी को, जिसको भी जो भी आपके पास है विग्रह, आप उनको 12 बजे रात को, 19 तारीख की रात को 12 बजे आप पंचामृत स्नान कराएंगे। दूध दही घी शहद शक्कर, ठीक है, तुलसी दल जरूर डाल देना, यानी तुलसी पत्ता। फिर नॉर्मल जल से स्नान कराएंगे, फिर श्रृंगार। अगर आप वैसे तो 12 बजे होता है कि हल्का ही सब श्रृंगार करते हैं, क्योंकि भगवान जी को हम लड्डू बाबू को फिर शयन भी कराते हैं, तो वो आपकी इच्छा है, आप हैवी करना चाहें। देखिए हम नॉर्मल करते हैं, कॉटन ड्रेस या कोई भी नॉर्मल ड्रेस बना के, ताकि फिर बाद में हम लल्ला को सुला देते हैं। तो व्रत कैसे करें, तो पहले उस पर बात कर लेते हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि 19 तारीख की जन्माष्टमी है, ठीक है जी, ये क्लियर हो गई बात। अब आप व्रत कैसे करें। जन्माष्टमी का व्रत कई लोग करते हैं निर्जल, यानी कि कई लोग जल भी नहीं पीते और फलाहार भी नहीं खाते, कई लोग ऐसे करते हैं। और वो रात को 12 बजे ही व्रत खोलते हैं जब लल्ला का जन्म, निर्जल रखते हैं, यानी कि बिना अन्न जल के व्रत करते हैं। उसमें मतलब कि फलाहार ही खाया जाता है जन्माष्टमी के व्रत में। फलाहार आप अगर निर्जल नहीं रह पाते तो आप एक टाइम फलाहार खा सकते हैं, ठीक है जी, यानी कि कुट्टू या फिर और नॉर्मल फल भी ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, तो इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है जी। फिर हमें रात को क्या करना है, जब हम व्रत खोलेंगे तो व्रत खोलते हुए भी फलाहार का ही भोग लगाते हैं, फलाहार ही लेते हैं। उसमें आप धनिया की पंजीरी ले सकते हैं, कुट्टू कैटे की पकौड़ी, दही रायता, जो भी आप लेना चाहें, आलू की सब्जी या मखाने खीर, वो सब खा सकते हैं। एक बात मैं क्लियर कर दूं, व्रत हमारा होता है, प्रभु का व्रत नहीं होता, इसलिए हम 56 भोग लगाते हैं। 56 भोग में सारे अन्न ही आते हैं, अधिकतर आपने देखा होगा। तो इस चीज़ का भी आप मत ये करना कि भगवान जी को भी हमने वही भोग लगाना है, ऐसा कुछ नहीं। आप अगर सेवा कर रहे हैं तो आप नॉर्मली दिन में जैसे सेवा करते हैं वैसे आप सेवा करते रहिए। व्रत हमारा है, भगवान का नहीं है, हम प्रभु के लिए व्रत कर रहे हैं, ठीक है। तो आप उनके व्रत की जो आपका मन है, 56 भोग जो लगाना चाहते हैं, आजकल 56 भोग की थाली मिल जाती है, जो एक एक पीस भी होते हैं, और कहीं आप ज़्यादा भी करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, वो भी लगा सकते हैं। और जो नॉर्मल व्रत का है तो बहुत सारी वैरायटी होती है, जो जन्माष्टमी पे जरूर से बनाते हैं, और धनिया पनीर तो मस्ट है, वो तो बनती है, और पंचामृत बनता है, तो वो आपके प्रसादी रूप में हो जाएगा। और जब आप 12 बजे प्रभु को स्नान करा लेंगे अपने, अगर किसी पर विग्रह नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके पास फोटो होगी, उस पर भी आप इस तरह से छींटे मार सकते हैं और अच्छे साफ कपड़े से साफ कर सकते हैं, ठीक है। जब सारा हम भोग लगा देंगे और फिर उसके बाद क्या करना है, आपने जब आप पंचम स्नान और श्रृंगार कर लेंगे, आरती करनी है आपने। आरती जरूर से होगी 12 बजे जब उनका आप स्नान वगैरह करा लेंगे। आरती करने के बाद, भोग लगाने के बाद आप प्रभु को शयन कराएंगे, अगर हमारे लड्डू बाबू हैं तो। क्यों, कई लोग कहते हैं नहीं हो, उसमें 6 दिन तक बैठाए रखते हैं ये वो, तो लेकिन ये थोड़ी ना होता है। अब वो हाँ, आप दिन में बिठा दो अगर आपका मन है, लेकिन एक बच्चे के रूप में अगर हम पूज रहे हैं या सेवा कर रहे हैं तो उनको शयन जरूर कराना जी। मैं तो कराती हूँ इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, शयन जरूर से कराना, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, ठीक है, आपका जन्माष्टमी कम्प्लीट इंजॉय और ये वो। और रही बात वस्त्रों की, कि लड्डू बाबू कौन से वस्त्र पहनाएं, देखिए पीले तो हमेशा से होते हैं, और मेरे तो कृपा ऐसी हो रही है कि पीले पीले ही पहन रहे हैं जन्माष्टमी पे, तो अच्छा भी लगता है जो प्रभु इच्छा। तो आप पीले वस्त्र बना सकते हैं जन्माष्टमी पे, आप कोई भी वस्त्र बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको नहीं पहनाने। हाँ, बस मेरा ये मानना है कि जन्माष्टमी पे काले वस्त्र ना पहनाएं, बस मैं अपना पर्सनल वो करती हूँ, बच्चे का जन्म हो रहा है तो काले वस्त्र ना पहनाएं, बाकी कोई भी कलर के बहुत सुंदर सुंदर से आप वस्त्र बना सकते हैं लड्डू बाबू को, ठीक है जी। चलिए जी, अब
और फिर जब जन्माष्टमी के अगले दिन होता है नंदोत्सव, यानी नंद बाबा खुशियां मनाते हैं, मेरे घर छोरा भयो है, तो वो तो बहुत खजाने लुटाते हैं, पर आपकी जितनी श्रद्धा हो उस हिसाब से उनकी सेवा कर सकते हैं, अच्छे अच्छे व्यंजन भोग लगा सकते हैं, कुछ भी प्रसाद बांट सकते हैं, अपनी खुशी जाहिर कर सकते हैं नंदोत्सव में, ठीक है जी। झूला झुलाना है प्रभु को। और फिर है छठी, छठी आएगी 19 तारीख से, अगर हिसाब रख 24 तारीख की छठी बैठेगी। छठी वाले दिन अपने लल्ला को जरूर से पीले कपड़े जरूर पहनाएं। मेरा हमेशा से यही रहता है कि पीले कपड़े ही होने चाहिए छठी पे, अगर पीले नहीं है तो पीताम्बरी या फिर ऑरेंज कलर के इस टाइप से कपड़े पहना सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई भी, तो आपकी इच्छा फिर तो कोई भी पहना लो, ठीक है। उस दिन कढ़ी चावल जरूर से बनेंगे, कढ़ी चावल का भोग लगता है और प्रसादी रूप में भी आप वो कर सकते हैं, उनको झूला झुलाइए, इंजॉय करिए। छठी पे तो बहुत हर मंदिर में बहुत इंजॉय होता है, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। छठी का भी हो गया, अब ये मैंने जन्माष्टमी की बिल्कुल क्लियर कर दी आपको सारी बातें, ठीक है जी। अब मैं आपको बताती हूँ जन्माष्टमी की, कई लोग बोलते हैं डेकोरेशन का, आप बताइए कि डेकोरेशन में हम कैसे कर सकते हैं, क्या क्या होना चाहिए। देखिए हर साल तो डेकोरेशन आइटम नहीं खरीदते हम, क्योंकि ये थोड़ी ना होता कि एक बार ले ली तो खराब हो जाएगी वो जो हमारे पास चीज़ें होती है, चाहे हम दिवाली पे लेके रखें चाहे हम जन्माष्टमी में लेके रखें, तो चीज़ें सारी रखी होती हैं। हाँ कुछ नया आता है मार्केट में और हिसाब किताब अपना बैठता है तो जरूर से लेते हैं हम, तो आपकी काफ़ी सामान रखा हुआ है, इसलिए मैं ये नहीं समझती कि हर साल मुझे शॉपिंग करनी चाहिए या फिर है, क्योंकि सामान अगर हम कुछ भी लेते हैं सजाने की आइटम तो खराब नहीं होती है, तो अगर आप ले सकते हैं तो इस तरह से आप, ये अष्ट सखा आते हैं सजाने के लिए, तो ऑनलाइन मिल जाते हैं आपको, अगर पेज में जानना है तो मैं बता दूंगी कि आप कहाँ से ले सकते हैं। तो ये तो मैंने मथुरा से मंगवाए थे, तो मथुरा से मैंने कई बार शॉपिंग कर रखी है, वो वीडियो आप चेक करना उसमें नंबर है। तो ये अष्ट सखा है, 8 तरह के सखा है, आप जब सजाएंगे झांकी बनाने के लिए रख सकते हैं, अष्ट सखियाँ रख सकते हैं, ये मेरी बड़े साइज की हैं, आप छोटे साइज की भी ले सकते हैं, अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप सारी ले सकते हैं, बड़े साइज की छोटे साइज की है अष्ट सखियाँ, तो प्राइस भी ज़्यादा नहीं होता छोटों का और बड़े का, जब आप लोगे तो पता लग जाएगा, तो आप सजाने की कितनी आइटम भी ले सकते हैं। अष्ट सखियों में श्रीमती राधा रानी भी आती है, अगर किसी के पास विग्रह नहीं है या कुछ भी आप राधा रानी नहीं ले पा रहे तो जब अष्ट सखी आप लोगे तो उसमें श्रीमती राधा रानी का विग्रह आया था मेरी, जब मैंने ये 9 इंच वाली ली थी, बाकी छोटी में तो नहीं आया लेकिन बड़ी में मेरे ये आया था विग्रह, तो ये आई तो मेरे पास सारी आ गई थी, श्रीमती राधा रानी की जय। इस तरह से हाथी घोड़े ले सकते हो, मेरा काफ़ी मैंने सजा रखी है, और ये सब भी अष्ट सखाई है, तो सजाने की बहुत आइटम होती है आपको, जितनी आप लेना चाहो। और इस तरह के दरबान भी ले सकते हो, ये भी मैंने थोड़े बड़े बड़े ही ले रखे हैं, ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, तो ये 9 इंच के हैं, तो ये दरबान ले सकते हो, झूले के आगे या झांकी बनाते हुए लगा सकते हो, रास सेट ले सकते हो। तो ये सब मैंने पहले का ले रखा है, ये नहीं कि मैं हर बार शॉपिंग क्यों करूं, जब मेरे पास ये सब है आप कुछ नया मिलता है तो ले सकते हैं। दिवाली पे मैंने लिए थे, इसमें अभी सेल खत्म है, सेल डाल लो, नहीं तो ऐसे भी आप सजा सकते हो। दिवाली की आपकी कितनी आइटम होती है जो आप सजा सकते हो, फ्लावर आर्टिफिशियल फ्लावर होते हैं जिसकी वीडियो मैंने डाल भी रखी है कि फ्लावर आप वो कर सकते हो। झूले पे आप क्या करें, झूले पे अगर आप खुद से भी झांकी बना के भी कटिंग करके लगा सकते हो, मतलब कि जैसे कंप्यूटर से निकलवा के या कुछ भी, नहीं तो झांकियां भी आप बनी बनाई मिलती है वो भी आप झूले पे लगा दो, या सीनरी मिलती है, इतनी सारी आइटम है झूले पे, आप पत्ते आम के लगा सकते हैं या फिर खेल खिलौने लगा सकते हैं झूले पे, छोटे बच्चे के खिलौने होते हैं झुनझुना वगैरह होता है वो भी आप लगा सकते हैं, फूल पत्ती मतलब झूले को डेकोरेशन कर सकते हो जिसमें हमारे लल्ला बैठेंगे और खुश हो जाएंगे। तो ये सब कुछ बातें हैं जो मैंने जन्माष्टमी को लेके बताई, जरूर से बताना आपको कैसी लगी वीडियो, और आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। जिसके पास इतना नहीं ले पा रहे तो चिंता ना करें, कुछ भी जो भी आपके पास है, आपके पास रियल फूल है आप उससे भी सजावट कर सकते हो, झांकी बना सकते हो, मिट्टी है रेत है उसे इस तरह से करके कलर करके नदी बना सकते हो, झोपड़ी बना सकते हो, कितनी चीज़ें अगर आप झांकी बनाना चाहते हो, ठीक है जी। से आप झांकी तैयार कर सकते हो, कैसे डेकोरेशन कर सकते हो, तो ये छोटे छोटे हिंट है, इसको आप समझेंगे तो जरूर से कर पाएंगे, जितनी सामर्थ्य है उतना ही करना चाहिए, भगवान यही कहते हैं। और सब मुझे पूछने शॉपिंग की यानी कि, तो ये सब आपको शॉपिंग ही हो गया, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ड्रेस आ रही है गिफ्ट की या कुछ भी आ रहा है वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ, तो वो भी जन्माष्टमी के लिए ही है, बाकी प्रभु की इच्छा हुई तो मैं जरूर से अगर मार्केट गई कुछ लाई तो आपको वीडियो जरूर से मिल जाएगी। तो थैंक यू सो मच, आपने वीडियो वॉच करी उसके लिए दिल से धन्यवाद, और आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर से कमेंट करना, और जय श्री राधे।